वेलकम वीडियो नंबर 12 इकोनोमेट्रिक सबकैटिकल अप्रोच। इस वीडियो में हम देखते हैं कि ऑर्डिनरी ली स्क्वायर के अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं, गॉस मार्कोव थ्योरम क्या है और गॉस मार्कोव थ्योरम की लिमिटेशंस क्या है। बहुत ज्यादा लोग गॉस मार्कोव थ्योरम की मैथमेटिकल डेरिवेशंस करवाते रहते हैं बट Probably it's of very limited use. अभी हम देखते हैं। तो हमने OLS के बारे में बहुत बात कर ली कि OLS estimators unbiased होते हैं, means कि अगर repeated samples लें तो जो आपके पास average of your estimator वो average estimates होंगे that will be equal to population parameter. अब इसकी कितनी utility होती है कितनी नहीं होती क्योंकि repeated sample in real life नहीं होते। देन हमने बात की कंसिस्टेंट होते हैं कि जी अगर आपके पास जो है वो सैंपल साइज इंक्रीज करेंगे तो एस्टिमेटर का जो वेरिएंस है वो पॉपुलेशन वेरिएंस की तरफ अप्रोच करेगा। हेट्रोस्कडास्टिक रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर्स हमने बात की थी और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हमारी स्टैंडर्ड स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस जो है वो वैलिड होती है। तो हम OLS पढ़ते रहेंगे क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा पढ़ाई जाती है, बहुत ज्यादा पढ़ी जाती है और सारे के सारे लोगों को OLS की लैंग्वेज समझ आती है बट हमें इसके साथ इसकी थोड़ी सी लिमिटेशंस जो हैं वो पता भी होनी चाहिए। तो आप देखें देन हमें ये सोचना है कि क्या OLS हमेशा ही एक अच्छी चॉइस है जहां पे पर्टिकुलरली मैं अभी बात करूंगा जहां आउटलायर्स आ जाएं और इसके अलावा क्या एजम्पशंस हैं जो हमें स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस के लिए उन रिजल्ट्स के लिए चाहिए जो OLS पे बेस्ड होते हैं। तो इस वक्त हम तीन एजम्पशंस OLS की थी। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टाइम एंड अगेन आई हैव डिस्कस्ड। फोर्थ अजम्पशन ये है कि एरर्स जो है वो होमोस्कडास्टिक है और फिफ्थ अजम्पशन ये है कि आपके एरर्स जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नाउ आप देखें तो अगर ये अजम्पशन सेटिस्फाई नहीं होंगी तो इट मीन्स कि आपके रिजल्ट जो है उनकी वैलिडिटी एक इश्यू बनेगा। अब अगर आप अब यहां पे आएगा कि जी OLS एस्टिमेटर्स एफिशिएंट होते हैं, जब एफिशिएंसी की बात हो रही है मींस के OLS एस्टिमेटर्स का वेरिएंस सबसे कम होता है अमंग द क्लास ऑफ ऑल अनबायस्ड एस्टिमेटर्स। तो देखिए यहां तीन चार अजम्पशंस आप ले रहे हैं कि अगर तीनों OLS assumption सेटिस्फाई हों, एरर्स होमोस्कडास्टिक हों, एस्टिमेट और जो है फंक्शन लीनियर हो तो आपके पास जो OLS एस्टिमेटर का वेरिएंस होगा वो सबसे कम होगा। अब दोबारा से बात देखते हैं, तीनों की तीनों बेसिक assumptions मीन जीरो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू गिवन एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स वाई आई आई डी, नो आउटलायर्स, बिसाइड दैट एरर्स आर होमोस्कडास्टिक, बिसाइड दैट OLS एस्टिमेटर बीटा वन हैट इज अ लीनियर एस्टिमेटर। तो अगर ये सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हों तो OLS एस्टिमेटर जो है उसका वेरियंस फ्रॉम ऑल अदर एस्टिमेटर सबसे कम होगा। अब इश्यू क्या है, इकोनॉमिक्स में डेटा, सोशल साइंसेज में डेटा और इन मेनी अदर डिसिप्लिन्स डेटा होमोस्कडास्टिक नहीं होता, जिसका मतलब यह हुआ कि यह कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। बहुत सारे एस्टिमेटर्स जो है वो लीनियर नहीं होते, जिसका मतलब यह है कि यह कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। फिर कुछ एस्टिमेटर्स ऐसे हो सकते हैं जो स्लाइटली उनमें बायसनेस हो, वो अनबायस नहीं हो लेकिन उनका वेरियंस बहुत कम हो सकता है। तो अब देखिए ये तीन कंडीशंस, अनबायस भी होना, लीनियर भी होना, होमोस्कडास्टिक भी होना, इन तीनों का सेटिस्फाई होना
बहुत कम जो है वो चांसेस होते हैं इन रियल डेटा, तो इसलिए गॉस मार्कोव थ्योरम का बहुत लिमिटेड यूज है इन प्रैक्टिस। तो वो इसके अलावा पहले भी बात की है कि ओएलएस एस्टिमेटर्स, तो ये तो मैंने आपके सामने गॉस मार्कोव थ्योरम की बात कर दी, तो ये आपके पास इसकी लिमिटेशंस में आ गया। और फिर आपने ये कहा कि होमोस्केडास्टिक नॉर्मल एरर्स होते हैं, तो बेसिकली अभी हमने आवरली अर्निंग डेटा देखा था, हमने वो जो है एक कलरफुल ग्राफ पिछली वाली वीडियो में देखा था जहाँ पीएचडीज मेडिसिन डिग्री वाले मैट्रिक डिग्री वाले, तो वहां पे डेटा होमोस्केडास्टिक नहीं था, तो इसका मतलब गॉस मार्कोव थ्योरम वहां पे अप्लाई नहीं होगा। नाउ वी कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत कम डिस्कस किया जाता है, एंड दैट इज कि हमने ये बात की, इससे अगले वाली वीडियो में मैं ये वर्कशॉप कंडक्ट करने जा रहा हूं जो आज तक हमने काम किया है कि ओएलएस इज वेरी सेंसिटिव टू आउटलायर्स। इस पे एक वीडियो अवेलेबल है बट आई विल डू इट अगेन कि ओएलएस इज वेरी सेंसिटिव टू आउटलायर्स। एक आउटलायर आ जाए तो ओएलएस के रिजल्ट्स वैलिड नहीं होते, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होल्ड नहीं करती, तो जब वो नहीं होल्ड करती तो ऊपर वाली पांच अजम्पशन में हमें मसला आ जाएगा, गॉस मार्कोव थ्योरम में मसला आ जाएगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, लीस्ट एब्सोल्यूट डेविएशन मेथड यूज किया जाता है, वाई आई माइनस बी नॉट बे बी वन एक्स आई, एब्सोल्यूट वैल्यू को मिनिमाइज किया जाता है। वहां हमने सम ऑफ स्क्वायर्स को मिनिमाइज किया था, यहां हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेके उसके सम को मिनिमाइज करते हैं। तो जब कंप्यूटर सिस्टम नहीं थे तो ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए ओएलएस के साथ नाइस मैथमेटिक्स अटैच थी, सो देयरफॉर लोग ओएलएस को बहुत ज्यादा वेटेज देते थे। बट टुडे यू हैव दिस कंप्यूटेशनल फैसिलिटी अवेलेबल, सो व्हेन एवर यू हैव डाउट कि यहाँ ओएलएस जो है वैलिड नहीं है, वहां पे आप मिनिमाइज करें एब्सोल्यूट रेजिडुअल्स को, तो दिस इज कॉल्ड लीस्ट एब्सोल्यूट डेविएशन मेथड। देन कम्स कि ये हमने बात कर ली है कि अगर आपके पास जो है वो नॉर्मल टी स्टेटिस्टिक्स सैंपल साइज लार्ज होगा तो टी स्टेटिस्टिक्स यूज होगी, तो टी एन ग्रेटर देन 50 हो तो जो है वो आप यूजली स्टैंडर्ड टेक्स्ट में 30 लिखा हुआ है, बट हम ये कहते हैं कि अगर एन ग्रेटर देन 50 हो तो जो जी की वैल्यूज हैं वही टी के लिए यूज की जा सकती हैं, अदरवाइज यू शुड यूज टी स्टेटिस्टिक्स विद एन -2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इस पे हमारी सारी बात हो चुकी, तो ये आपके पास मैथमेटिक्स है कि बेटा वन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन दिस स्टैंडर्ड एरर दिस, और ये उसकी क्रिटिकल वैल्यूज हैं जो कि बहुत ज्यादा जो है आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर कम है तो ये टी स्टेटिस्टिक्स की वैल्यूज और जी स्टेटिस्टिक्स की वैल्यूज आपस में थोड़ा सा डिफर करेंगी, अदरवाइज जब सैंपल साइज लार्ज हो जाएगा तो टी स्टेटिस्टिक्स बाय सेंट्रल लिमिट थ्योरम बहुत सारी स्टेटिस्टिक्स एज वेल एज दिस वन विल फॉलो विल बी मोर आर लेस सेम एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आपके पास प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन मैंने आपको बता दी कि अगर सैंपल साइज लार्ज होता है तो बीटा हैट, क्योंकि इक्वल होता है सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार, तो ऊपर सम की डिस्ट्रीब्यूशन है डिवाइडेड बाई सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, तो नीचे सम की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सम की डिस्ट्रीब्यूशन या एवरेज की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल को अप्रोच कर जाती है जब सैंपल साइज लार्ज हो जाता है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे भी मैं एक छोटा सा क्लिप आपको डिस्प्ले कर दूंगा, सो उसको मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर दूंगा। तो आई होप कि ये आपके लिए जो है वो हेल्प करेगा कि हमने दो बातें मेनली की हैं कि एक ओएलएस सेंसिटिव टू आउटलायर्स होती है, तो इसलिए आप उसकी जगह लीस्ट एब्सोल्यूट डेविएशन मेथड यूज कर लीजिए जब आपके डेटा में आउटलायर्स हों। सेकंड हमने बात की कि गॉस मार्कोव थ्योरम होता क्या है कि अगर आपके पास एस्टिमेटर अमंग द क्लास ऑफ ऑल अनबायस्ड लीनियर होमोस्कडास्टिक एस्टिमेटर्स में से ओएलएस एस्टिमेटर का वेरिएंस सबसे कम होता है, तो हम ये कह रहे हैं कि ये बहुत स्ट्रांग कंडीशंस हैं जो यूजुअली होल्ड नहीं होती, तो इसलिए आपके पास गॉस मार्कोव थ्योरम की बहुत लिमिटेड एप्लीकेशन है। तीसरी बात हमने ये की है
कि अगर आपके पास सैंपल साइज लार्ज होगा तो टेस्ट जो एस्टिमेटर की डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेस्ड ऑन सम्स होती है, एवरेज होती है, तो इसलिए वो सेंट्रल लिमिट थ्योरम को अप्रोच कर जाएगी इवन अगर यू आपके पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हुआ। स्मॉल सैंपल में वी हैव ऑलवेज एन इश्यू, वो किसी और टाइम पे देखते हैं, बूटस्ट्रैप सिमुलेशन वगैरह जिसको हम कहते हैं। ओके, तो ये आपकी जो है वो समरी है। तो इस पे नेक्स्ट हम अपना जो है वो एम्पिरिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे। तो इनिशियल पॉलिसी क्वेश्चन अगेन वही है कि क्या आप क्लास साइज अगर कम करें तो टेस्ट स्कोर बढ़ जाता है, और जो है वो बेसिकली अगर आपने कुछ स्कूल्स में टीचर्स ज्यादा हायर कर लिए तो आपका स्टूडेंट टीचर रेशियो कम हो जाएगी, क्लास साइज कम हो जाएगा, तो जिनमें नहीं किए और जिनमें कर लिए तो बेसिकली उससे क्या फर्क पड़ेगा। अब यहां पे देखिए बहुत सारे और कंफाउंडिंग फैक्टर्स हैं आपके लिए। ये कहां पे पॉसिबल होगा? ये आपके लिए मेनली वहां पॉसिबल होगा जहां पे जो स्टेट्स जो है वो रिच हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स रिच हैं, जहां पे फैमिली ज्यादा टैक्स पे कर सकती हैं। तो इट मींस कि क्लास साइज का कम होना सिर्फ लिंक नहीं है टेस्ट स्कोर पे, सिर्फ उसका इफेक्ट नहीं होगा, शायद उनके अदर फैक्टर्स जो है पेरेंट्स इनकम, डिस्ट्रिक्ट की अदर इनकम, टीचर्स की ट्रेनिंग और उन चीजों पे भी आ सकता है, जो जब मैं एम्पिरिकल वर्कशॉप करवा लूंगा उससे मेरा अगला चैप्टर होगा जो कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन होगा। तो आप जितनी वीडियोस अभी तक की हैं इनको प्लीज देख लीजिएगा, जो एक वर्कशॉप पहले की है और जो इसके बाद वाली वर्कशॉप है इसको आपने प्रैक्टिकली करके कर लेना है। इकोनोमेट्रिक्स इज नॉट समथिंग टू लर्न अबाउट, इट्स समथिंग टू डू अबाउट। तो आप इसको जो है वो कीजिए, सिर्फ वीडियो देखने से, सिर्फ पढ़ने से, सिर्फ थ्योरम्स का प्रूफ करने से इकोनोमेट्रिक्स नहीं आएगी। ये डेटा की बात हो रही है, डेटा के आज की कंप्यूटेशनल फैसिलिटीज ने ऑल टुगेदर इकोनोमेट्रिक्स, स्टेटिस्टिक्स, डेटा एनालिसिस, इस सारी चीजों को एक बिल्कुल न्यू डायमेंशन दे दी हैं। यू गेट मोर इनसाइट बाय हैंगिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ डेटा रादर देन के आप शायद जो है वो टिपिकल मॉडल्स यूज करते रहे। तो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग और साथ साथ जो आपको डेटा दिया जाए उस पे आपने इसको करना है, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।